अस्सलामुअलैकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रेंट। घूम लिया पूरा मुमरा, देख लिया, अच्छा लगा, आ जाओ अपने घर पे आ जाओ। आपको घर के बाहर मिलेगा आपका स्विमिंग पूल, जिम, गार्डन और बहुत सारी एमिनिटीज। द बेस्ट पार्ट इस प्रोजेक्ट की है कि इसी साल पोजीशन है, ऑन रोड है। यहाँ पर 1 BHK मार्केट का शॉर्टेज चल रहा है और हमारे पास मैक्सिमम 1 BHK अवेलेबल है। ओनली फॉर 35 लाख रुपीज बैंक लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें, कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। महेश दामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के सम्राट नगर में एक डोंकी के छोटे बच्चे का पैर टूटा हुआ था और बदन में कई जगह पर जख्म थे, यहाँ तक कि कीड़े भी पड़ रहे थे। मुमरा की सड़कों पर अब भी कई जगह ऐसे डोंकी मिलेंगे जो सड़कों पर घूमते हैं। उनके मालिक उनसे काम तो बराबर लेते हैं, ईंट, सीमेंट, मोरंग उनसे ढुलाई करवाते हैं, मगर जब ये डोंकी बीमार पड़ते हैं या इनका पैर टूट जाता है, इन्हें जख्म हो जाता है तो सड़कों पर इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। मुमरा के सम्राट नगर में भी एक डोंकी का छोटा बच्चा जिसका पैर टूटा हुआ था, वो चल नहीं पा रहा था। मुमरा की रहने वाली एनिमल लवर मुजना ने इस छोटे डोंकी को सम्राट नगर से रेस्क्यू करने पहुंची तो डोंकी के जो मालिक है वो भी वहां पहुंचे और कहा सुनी भी हुई। हालांकि घायल हालत में छोटे डोंकी को पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस से बातचीत करने के बाद एनिमल लवर मुजना और डॉक्टर तनवीर ने प्राथमिक इलाज किया। उसके बाद नवी मुंबई के हैंड्स दैट हील एनिमल केयर फाउंडेशन में इसे इलाज के लिए भेज दिया गया है। वहीं एक बात और बताना ज़रूरी है कि मुमरा में जो एनिमल लवर हैं जैसे मुजना, डॉक्टर तनवीर, ऐसे और भी कई लोग हैं जो मुमरा शहर के कहीं भी कोई भी जानवर जो है घायल अवस्था में है या उसे किसी मदद की ज़रूरत है तो वो उन जानवरों की मदद के लिए आगे आते हैं। इन्हें अगर कहीं से कुछ डोनेशन मिलता है तो ठीक है, वरना ज़्यादातर ये लोग अपने जेब से ही पैसे लगाकर जानवरों की मदद किया करते हैं। इसी तरह से सम्राट नगर में जो ये छोटा डोंकी था जिसका पैर जो है बताया जा रहा है कि टूट गया था और सही तरीके से इलाज ना मिलने की वजह से इसका पैर धीरे धीरे ख़राब होते जा रहा था, लेकिन अब जो एनिमल लवर हैं मुजना और डॉक्टर तनवीर, इन लोगों की सहायता से जो है नवी मुंबई के एनिमल केयर फाउंडेशन में इसे रेस्क्यू करके भेजा गया है जहां इसका इलाज चलेगा। संतोष नाम का कोई आदमी, अभी लोकल से पता चला, आंटी कंटिन्यूसली आके आर्ग्यू कर रहे हैं, वो बच्चे की कंडीशन इतनी वर्स्ट है, ठीक, और अभी लोग यहाँ वहाँ से सोर्स लगा के अपनी सड़ी हुई मिस्किन जैसी शक्ल बता के अपने आपको गरीब ये बता के, अब इनके हिसाब से ये लोग इससे कुछ काम नहीं लेते। जब काम नहीं तो घर रखने का मतलब न इनको खिलाने की औकात है, न रखने की औकात है, न इलाज करने की, खुद घर में लोग डॉक्टर बने हुए थे। वो आदमी तो भाग गया, उसका नाम संतोष है। अभी आंटी और 2-3 लेडी आ रही है, बच्चा बदतमीजी, इतना सा बच्चा इतनी बदतमीजी कर रहा है,